सरोकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत लगातार जो हमारी चुनावी यात्रा है ये अलग अलग जिलों में जा रही है और आज हम गोरखपुर में है। गोरखपुर वो जगह जो राजनीति का केंद्र बहुत ही अहम और बहुत लंबे समय से माना जाता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। इस बार गोरखपुर की जो सदर सीट है, जो शहर सीट है, यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रत्याशी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस सीट पर जो लड़ाई है वो काफी टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रत्याशियों ने दमखम भरा हुआ है और उन्हीं में से एक मजबूत प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी जो कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रही, सरकार के खिलाफ कई सारे उन्होंने जो घोटाले हुए उनकी भी फेहरिस्त जारी की। इसके अलावा अपने कैंडिडेट्स के जरिए उन्होंने ये बताया कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, दरअसल वो सभी प्रत्याशी ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं। और उसी कड़ी में विजय कुमार श्रीवास्तव साहब हमारे इस सीट से प्रत्याशी है, गोरखपुर की इस शहरी सीट से प्रत्याशी है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और सरकार से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भैया हम तैयार हैं, आपकी लड़ाई हमसे है और हम पूरी तरह से मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। बहुत धन्यवाद साहब। विजय भाई क्या माहौल है, क्योंकि देख रहा हूं मैं कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लेकिन कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इस बार आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस शहरी सीट से उतरे हुए? देखिए मैं 6 साल पहले से इस विधानसभा से चुनाव लड़ने की मैंने तैयारी की थी और लगातार पीड़ित और के पक्ष में ईमानदारी और दमदारी से मैं खड़ा रहा, शासन और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले रहा, जितने भी जनहित के मुद्दे थे उनको उठाता रहा और पूरी तैयारी के साथ और पूरे दमखम के साथ मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं। और मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों पे है, जो उनके रोज की समस्याओं से है। ये सरकार इतनी गलत तरीके से अपने 5 साल को व्यतीत की है जिसमें व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मध्यम वर्ग, छात्र, बेरोजगार, हर व्यक्ति तबाह हुआ है। ये आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये किसी के नहीं हुए। एक तो इनके झूठ बोलने की आदत, एक तो इनका किसी भी मुद्दे पे स्टैंड नहीं करना। जब आप विकास की बात करिए तो ये तुरंत हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान की बात करते हैं और तालिबान का भय भी दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने 250 क्विंटल गेहूं वहां दे दिया। इतना निकृष्ट शासन इनका रहा है कि आप इसको कुछ बता नहीं सकते हैं। रही बात गोरखपुर की, तो जहां आज आप खड़े हैं यह 6 महीना, यहाँ के अगल बगल के लोग हमारे साथ आप इनसे गवाही ले सकते हैं, 6 महीना ये बारिश के पानी में मोहल्ला डूबा हुआ था। अच्छा। इस मोहल्ले में नाव चली है और यहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ पे विकास हुआ, भाजपा कहती है कि यहाँ पे विकास हुआ। ये इनका विकास है कि हमारा शहर बाढ़ के पानी में नहीं डूबा, लेकिन बारिश के पानी में पहली बार इनके गलत नीति और गलत प्लानिंग की वजह से हमारा शहर पानी में डूब गया। ठीक है। यहाँ से मौजूदा विधायक थे, बीजेपी के थे, इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्याशी हैं, आपकी लड़ाई उनसे है और भी कई सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन मैं अगर आपकी बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बीते दिनों काफी सक्रिय रही, लगातार उन्होंने संगठन मजबूत किया, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, आप लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, इस विधानसभा को लेकर कौन कौन सी वो प्रमुख चुनौतियां हैं जो सामने हैं और अगर जीतते हैं तो सबसे पहले उन चुनौतियों को पूरा करेंगे, उनका सामना करेंगे और जनता के हित की बात करेंगे? देखिए कायदे से कहिए तो इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है गोरखपुर के लिए। अच्छा। सिवाय बकवास के। ये 4 लेन कहते हैं कि हमने 4 लेन बना दिया, ये फर्टिलाइजर कहते हैं कि हमने बना दिया, ये एम्स कहते हैं कि हमने बना दिया। एम्स जो है, एम्स पेशेंट रेफर कर रहा है सदर अस्पताल को और मेडिकल कॉलेज को, ये तो विश्व का 8वां अजूबा हो गया। अब 4 लेन पे जनता रहती है, 4 लेन को ये विकास कहते हैं, जनता मोहल्लों में रहती है, गलियों में रहती है, सड़कों में रहती है। आपके बगल में कैमरा घुमा के एक बार दिखा दीजिए, बजबजाती नालियां और घुटने भर का गड्ढे वाली सड़कें आपको मिलेंगी। मुख्यमंत्री का जहां आवास है उसके 500 मीटर के दायरे में आप वहां पैदल जा नहीं सकते हैं, आज की डेट में नहीं जा सकते हैं, बारिश की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये इनका विकास है। मेरा जो शहर में, यहां से जब मैं विधायक बन रहा हूं तो मेरा पहला काम है वाटर लॉगिंग, जो पानी की समस्या इस बार शहर जो जूझा है। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाई, बीमार अस्पताल नहीं जा पाए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। मेरा पहला काम होगा एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके इस शहर का पानी का निकासी का साधन उत्पन्न कर। मैं आपको एक बात बता दूं, आप ताजुब करेंगे,
20 साल से इनका मेयर, 20 साल से इनका विधायक, सांसद महोदय खुद 20 साल से भाजपा के, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, अब तो हमारा सीएम सिटी भी कहलाता है। लेकिन बड़े ताजुब की बात है कि आप इस शहर में है जहां 6 महीना बारिश के पानी में डूबा रहा, हमारा हमारे सांसद का भी आवास पानी में डूबा रहा। सांसद हमारे कोरोना काल तो छोड़िए, वो तो खैर दिखाई ही नहीं देते हैं, बारिश के सीजन में जनता को छोड़ करके बंबई फरार हो गए थे। वो खैर यहां से केवल पिकनिक करने आते हैं, हेलीकॉप्टर सांसद उनका नाम गोरखपुर की जनता ने रख दिया है, केवल हंसी के पात्र बनते हैं यहाँ पे और मस्खरे की भूमिका में वो यहां रहते हैं। मेरा पहला काम वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात दिलाना और ट्रैफिक जाम जो सबसे जानलेवा गोरखपुर में साबित हो रहा है, पैसे का नुकसान, प्रदूषण जो फैल रहा है, ट्रैफिक जाम की समस्या, और तीसरा इन लोगों ने लूट कांड मचा रखा था कूड़ा कचरा प्रबंधन के नाम पे, वेस्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से दो दो बार ये करोड़ों करोड़ रुपए इनका नगर निगम इनका मेयर खा गया, लेकिन आज तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम नहीं हुआ। मेरा पहला काम रहेगा कि यहाँ पे कूड़ा कचरा निस्तारण के लिए एक समुचित व्यवस्था की जाए ताकि हमारा शहर साफ और सुंदर हो सके। आखिरी सवाल, इस विधानसभा की जनता के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता से क्या संदेश, क्या अपील करना चाहेंगे कि वो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को वोट दे और इस विधानसभा के लोग आपको वोट दे? देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जो कहा वो किया, और जो वो किए वो पूरी दुनिया देखी। विश्व की सबसे लोकप्रिय पार्टी कहने वाले, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कहने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी भी हमारे नेता का दिल्ली में कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि जनता उनके साथ थी और आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में जनता के साथ थी और जनहित के सारे वो काम उन्होंने किया। मेरा यही कहना है कि हम न घोषणा पत्र लाए हैं न हम एजेंडा लाए हैं, हम जनता के बीच में अपनी गारंटी पत्र लेकर के आए हैं। जो हमारे मुद्दे हैं जैसे कि बिजली फ्री, पानी फ्री, आपको मैं एक बात बता दूं, पानी है आम जमीन से लेते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, घरों में टोटी पानी नहीं आता है, और दिल्ली में पानी खरीद के पिया जाता है लेकिन वहां हमारे नेता पानी फ्री में देते हैं। मैं इन सारे मुद्दों को लेकर के जो हमारी गारंटी पत्र है, महिलाओं को पूरे प्रदेश में बस में यात्रा फ्री, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता है 5,000 रुपए महीना, हर महिला के खाते में 1,000 रुपए, विश्व स्तर की शिक्षा, विश्व स्तर का स्वास्थ्य, ये बुनियादी जो बातें हैं वो हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और उसी के दम पे हम पूरे प्रदेश में बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। आप सभी जनता जनार्दन से ये निवेदन है कि जहां जहां से हमारे प्रत्याशी खड़े हैं वहां आप लोग आम आदमी पार्टी को जिताइए, और दिल्ली की सुविधा जो आगे केजरीवाल जी दे रहे हैं पूरी सुविधा लेने के लिए प्रदेश में भी सरकार बनाइए। मैं तो यहाँ पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहा हूँ, हमारा सामने वाला हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये साफ तौर पर यहाँ पर बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर वोट देने वाली है और आम आदमी पार्टी जो अपना उनकी नीतियां हैं उन नीतियों के मुद्दे पर वोट देने वाली है और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। इस विधानसभा और गोरखपुर के बारे में भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीते 5 साल क्या, बीते 10 सालों में भी बेहतर तरीके से काम नहीं हुआ है, नतीजे क्या होंगे ये देखना अहम होगा, सरकार किसकी बनती है देखना अहम होगा, लेकिन हाँ इस विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इस बार जो ये चुनावी लड़ाई है ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि घमासान काफी बड़ा है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस